हमने आपको बोला हम रायपुर लोग हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। हमने बोला हुआ यहाँ पे टेंट लगेगा, परमानेंट लगेगा, परमानेंट स्ट्राइक पे बैठेंगे। और फिर ये चीज लोग कहते हैं संधु बॉर्डर, ये संधु बॉर्डर नहीं बनेगा, ये संधु बॉर्डर से कुछ और ही बॉर्डर बन जाएगा। के लिए कुछ होना पड़ता है, ठीक है, फूलों के साथ कांटे होते हैं, ये आप खापते आप सुनते आए हैं, इसलिए फिर करना क्या है। वो कहते हैं ना, हर माँ चाहती है कि भगत सिंह पैदा हो, पर मेरे घर में ना किसी और के हो, पर मेरी माँ ने यही चाहा कि कोई बात नहीं मेरे घर में ही पैदा हो। अगर हमें कुर्बानी देना पड़ेगी, अपनी देना पड़ेगी, तो दे देंगे, कोई बात नहीं। हमारे छोटे छोटे दो बच्चे हैं, पल जाएंगे, जिनके माँ बाप नहीं होते वो भी पलते हैं, जिनके होते हैं वो भी पलते हैं। हमारे मुस्लिम भाई आए हुए हैं, इनकी भी डिमांड है, ये कहते हैं कि छुट्टी होनी चाहिए, छुट्टी का किसी को इतराज ही नहीं है। सरदार भाई आए हैं, मोदी के सरदार जी तो खड़े हैं, सारे बंदे आए हैं, और डिमांड ये है एक छुट्टी, छुट्टी तो उनको देना पड़ेगी। अगर ये अपने जो नया इनका नारा है अब की बार 60 पार, वो 60 पार तब हो गए जब महाराजा हरि सिंह जी का आशीर्वाद मिलेगा। अगर इनका आशीर्वाद नहीं मिला तो 60 तो बड़ी दूर की बात है, फिर आप गिनती उल्टी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। महाराजा हरि सिंह वाज द लास्ट रूलिंग किंग ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और इसी के साथ आप सब लोग जानते हैं कि काफ़ी लंबे समय से अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के निवासियों की, ये डिमांड है यहाँ पर कि जिस तरह से जो महाराजा हरि सिंह है उनके जन्मदिवस पर जो है वो छुट्टी दी जाए। उसी के साथ कल जो जम्मू में अगर हम बात करें, एक कैलेंडर जो है अनाउंस किया जाता है, कैलेंडर 2022 का, उसी के साथ वहाँ पर जब चेक किया जाता है वहाँ पर लिस्ट ऑफ द हॉलीडेज नंबर थे 28, बट उसमें एक्सेशन डे की अगर हम छुट्टी कहें वो उसमें मौजूद थी। लेकिन जिस तरह से अगर हम बात करें यहाँ पर, सिर्फ यहाँ पर जो डोगरा निवासी है वो ही नहीं चाहते कि महाराजा हरि सिंह के जन्मदिवस पर जो छुट्टी दी जाए, उसके साथ साथ जो लोग हैं वो डिमांड कर रहे हैं यहाँ पर कि उनके जो है जन्मदिवस पर जो है छुट्टी दी जाए। और काफ़ी लंबे समय से ये जो डिमांड है ये चल रही है। इसी के साथ आपने देखा कि बिल्कुल जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ यहीं पर कितनी बड़ी जो युवा राजपूत सभा और अनदर पॉलिटिकल पार्टीज़ की हम बात करें उनकी यहाँ पर रैलीज हुई, और काफ़ी अगर हम एक दो बार की बात करें उन्होंने जो ये फ्लाईओवर तविका ये बंद भी किया था। इसी के साथ उन्हें ये कहकर उठा दिया गया कि महाराजा हरि सिंह के जन्मदिवस की यानी उनके जन्मदिन की छुट्टी जो है वो दी जाएगी। और उसके साथ जब कल कैलेंडर जो है दिखाया जाता है उसमें जो है उनके जन्मदिन की छुट्टी नहीं होती है, लेकिन इसके अगर प्रीवियस अगर डेज़ की बात करें, आपने देखा था कि जब यहाँ से गुजर रहे थे रविंदर राणा जी और उनकी गाड़ी को रोक दिया गया, वो यहाँ पर आए और उन्होंने कहा था छुट्टी दे दी जाएगी। इसके साथ जो है युवा राजपूत सभा की बात करें, उनका जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी जो है मिलना हुआ, मीटिंग हुई, सबको यही लग रहा था कि उनको जो है छुट्टी दे दी जाएगी। बट जब कल कैलेंडर अनाउंस होता है उसके बाद लोग जो है वो शॉक में जाते हैं, यानी उन्हें पता चलता है कि इसमें उस दिन की छुट्टी नहीं है। और एक्सेशन डे की जो छुट्टी दी गई है लोग जो है उसे मुतमिन नहीं है। लोगों का ये कहना है कि एक्सेशन डे की छुट्टी नहीं मांगी है महाराजा हरि सिंह, जिस तरह से इस स्टेट के जो प्रिंस थे जिसे 5 अगस्त 2019 के बाद जो है स्टेट को यूटी तब्दील कर दिया गया था, हमें जो है छुट्टी इसकी चाहिए। वहीं पर यहाँ पर युवा राजपूत सभा और कुछ अन्य लोग भी मौजूद हैं, हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे कि आखिर वो क्या कहना चाहते हैं। और जिस तरह से उन्होंने कहा था कि अगर छुट्टी नहीं दी जाएगी तो हमारा जो स्टेप क्या रहेगा, तो उनके स्टेप के बारे में भी जानेंगे। युवा राजपूत सभा के वाइस प्रेसिडेंट दिलावर सिंह मन्हास हमारे साथ हैं, हम इनका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहेंगे। सर, जब कल आपने कैलेंडर देखा, सबसे पहले मैं आपका रिएक्शन जानना चाहूँगी, यानी आपकी प्रतिक्रिया क्या थी उसमें जब छुट्टी नहीं थी? हमें बहुत बड़ा झटका लगा, एक हमें ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो सकता है। हमें जिस तरह से LG साहब ने आश्वासन दिया था, हमें तो अपने अंदर बहुत खुशी हो चुकी थी कि शायद बड़ी जल्दी हमें खुशखबरी मिलने वाली है, और अभी भी हमें थोड़ा बहुत यकीन है, पूरा यकीन नहीं है, थोड़ा बहुत अभी भी है। शायद LG साहब ने एक महीने का टाइम मांगा था, और एक महीने के अभी 7 तारीख को हमारी मीटिंग हुई थी, अभी 7 तारीख काफ़ी दूर है, 15 दिन बीच में पड़े हुए हैं अभी, तो शायद कहीं ना कहीं अगर उन्होंने हमें जुबान दी थी, और मेरे को लगता है कि जो सिन्हा साहब हैं वो अपनी जुबान के पक्के हैं, उन्होंने जो जो वादे किए थे उन्होंने सब निभाए हैं, और मेरे को लगता है कि ये वाला वादा भी वो निभाएंगे। पर हाँ, किसी कारण अगर वो ये वादा नहीं निभा पाए तो मेरे को लगता है कि BJP को सबसे बड़ा नुकसान यही होगा, जो महाराजा जो इस हमारी सीटों की बात करते हैं, ये महाराजा इनकी जो मेन गद्दी है महाराजा हरि सिंह की जो हरि पैलेस में लगी हुई है, मेरे को लगता है वो सिंहासन हिला देंगे, इनका सिंहासन हिला देंगे, क्योंकि पूरा जम्मू का डोगरा आर रिलीजन, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हर बंदे की एक डिमांड है महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी, और ये छुट्टी
मेरे को लगता नहीं है कि दे क्यों नहीं रहे हैं, इसके पीछे क्या कोई पॉलिसी मंशा क्या लगती है कि अगर छुट्टी नहीं दे रहे हैं उनकी क्या मंशा है उसकी? जिस तरह से एलजी साहब ने बोला था, अब तो एलजी साहब की बात ही नहीं रही। एलजी साहब ने अपने ऑफिस में बुला के आश्वासन दे दिया, आपने देखा रविंदर रैना जी भी जहाँ पे आके छुट्टी छुट्टी, जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, आपने कल देखा वहाँ पे जुगल किशोर शर्मा जी जो हमारे एमपी हैं, उन्होंने भी कहा कि छुट्टी होनी चाहिए। शमशेर सिंह मन्हास जी जो भी वो भी एमपी हैं, उन्होंने भी काफ़ी जोर लगाया इनके लिए। फिर आपने कल सुरजीत सिंह सलाथिया का वहाँ पे जन सम्मेलन देखा, वहाँ भी महाराजा हरि सिंह की छुट्टी के लिए बड़े बड़े नारे लगाए गए। जब कोई और नारे लग रहे थे तो मैक्स आवाज़ बड़ी कम आ रही थी, पर जब वहाँ के एक बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनका नाम है वो अमर सिंह जी, जब उन्होंने वो नारा लगाया कि महाराजा हरि सिंह की छुट्टी के लिए और जो महाराजा हरि सिंह अमर रहे, तो वहाँ से जो पीछे से आवाज़ आई वो सुनने वाली है। अब अगर आप वो आवाज़ सुनना चाहते हैं तो आप सुरजीत सिंह सलाथिया साहब का वो जो जलसा हुआ है उसमें आप सुनिए, पूरा देखिए, आपको लगेगा कि जम्मू का जो डोगरा है वो छुट्टी के लिए कितना बेताब है। मिलना कुछ नहीं है, छुट्टियाँ तो 50 हैं, हर चीज़ की छुट्टी है, पर जो लोग चीज़ मांग रहे हैं, अगर सरकार वो नहीं देख पाएगी तो मेरे को लगता है सरकार अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेगी और इसको आने वाले टाइम में सरकार को इसको भुगतना पड़ेगा। तरह से कहा कि अभी मंथ नहीं हुआ है, चलिए अगर मान लेते हैं कि मंथ नहीं हुआ है, चलिए अगर मान लेते हैं कि मंथ पूरा हो चुका है तो वो छुट्टी नहीं देते, उसके बाद क्या रहेगा? उसके बाद मैंने हमने आपको बोला, हम रायपुर लोग हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। हमने बोला हुआ यहाँ पे टेंट लगेगा, परमानेंट लगेगा, परमानेंट स्ट्राइक पे बैठेंगे और फिर ये चीज लोग कहते हैं सिंधु बॉर्डर, ये सिंधु बॉर्डर नहीं बनेगा, ये सिंधु बॉर्डर से कुछ और ही बॉर्डर बन जाएगा। इसलिए हम चाहते नहीं ऐसा काम करना, क्योंकि जहाँ की जो जनता है वो सारी अपनी जनता है, सारे लोकल लोग हैं, इतना सा जम्मू शहर है और जम्मू के जो जितने भी लोग हैं सारे अपने भाई बहन की तरह रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, हम कोई बात ऐसी करना नहीं चाहते। पर हमें अगर हम तो बीजेपी के बागीदार बनना चाहते हैं, पर ये अगर हमें मजबूरन बागी बनाना चाहते हैं तो फिर बागी बन जाएंगे। बागी कोई अपने मन से नहीं बनता, कुछ ना कुछ ऐसे हालात पैदा होते हैं जिससे बागी बनना मजबूरी बन जाती है। करने के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न रहता है। देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ठीक है, फूलों के साथ कांटे होते हैं, ये आप खापते हैं, आप सुनते आए हैं, इसलिए फिर करना क्या है। वो कहते हैं ना, एक हर माँ चाहती है कि भगत सिंह पैदा हो पर मेरे घर में, ना किसी और के हो, पर मेरी माँ ने यही चाहा है कि कोई बात नहीं मेरे घर में ही पैदा हो। अगर हमें कुर्बानी देना पड़ेगी, अपनी देना पड़ेगी तो दे देंगे, कोई बात नहीं। हमारे छोटे छोटे दो बच्चे हैं, पल जाएंगे, जिनके माँ बाप नहीं होते वो भी पलते हैं, जिनके होते हैं वो भी पलते हैं। इसलिए हमें मोदी साहब से, बीजेपी सरकार से, रविंदर रैना से, जितेंद्र सिंह से, एलजी साहब से, हम इनको बार बार यही बात कहते हैं कि हम आपसे दूर होना नहीं चाहते, हम आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं, हमें अपने साथ मिला के काम करिए, हमें धक्के मत मारिए। अगर आपने धक्के मारने हैं तो जब एक बार हम मुड़ गए तो फिर हम वापस पीछे नहीं देखेंगे। इसलिए हमें अपने साथ मौका दीजिए, हमारी एक छोटी सी डिमांड है, महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी, और ये जेन्युइन डिमांड है, पूरे जम्मू की डिमांड है, सब बरादरियों की डिमांड है, सब रिलीजन की डिमांड है। ये देखिए हमारे मुस्लिम भाई आए हुए हैं, इनकी भी डिमांड है, ये कहते हैं कि छुट्टी होनी चाहिए, छुट्टी का किसी को इतराज ही नहीं है। सरदार भाई आए हैं, वो देखिए सरदार जी उधर खड़े हैं, सारे बंदे आए हैं, और डिमांड ये है एक छुट्टी तो उनको देना पड़ेगी। अगर ये अपने जो नया इनका नारा है, अब की बार 60 पार, वो 60 पार तब होगे जब महाराजा हरि सिंह जी का आशीर्वाद मिलेगा। अगर इनका आशीर्वाद नहीं मिला तो 60 तो बड़ी दूर की बात है, फिर आप गिनती उल्टी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ दिलावर सिंह मन्हास, जो ये कहना चाहते थे कि अगर साथ में होकर चलना है तो महाराजा हरि सिंह की छुट्टी जो है वो बीजेपी को देनी पड़ेगी, तो अगर नहीं दी तो ये जो है अपना जो अगर कदम है वो 10 तारीख के बाद में दिखाएंगे। और उन्होंने साफ तौर पर बोल दिया कि महाराजा हरि सिंह के स्टैचू के पास ही यहाँ पर जो है वो टेंट लगाकर बैठेंगे और जब तक छुट्टी नहीं मिलेगी तब तक जो है यहाँ से उठेंगे नहीं। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्बुलेटन। आशिया खान के साथ अल्लाह हाफिज़।